24 घंटे राज्य में पाग मुख्यतः भाव में शुखिला रही है। सर्वनिम्न रात्रि तापमात्रा राउरकेला 13.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करा जाइछि। विशेष अंचल तापमात्रा बेस परिवर्तन घटी ना। वर्तमान जो देखा आम जो रोच मुख्यतः भाव में पश्चिम झड़ प्रभाव में आम रोच जोटा कि कोरापुट मलकानगिरी सहित आम नवरंगपुर नुआपड़ा बरगढ़ झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ यह सब जिला गुड़िक गोटे दुईट स्थान में हालुका मध्यम धरण वर्षार संभावना रही। परवर्ती देखा आम जोटा रोचे दुई तारीख जाए परवर्त समय पाग मुख्यतः भाव सुखिला रोक कि तीन और चार ये जो दुई दिन रोचे उपकूल ओडिशा समेत पार्श्वर्त जो रोच दक्षिण ओडिशा जिला गुड़िक हालुका मध्यम धरण वर्षापी पूर्वानुमान जारी कर बर्तमान जो रोचे गत कालीर जो लघुचाप क्षेत्र जोटा कि दक्षिण आंडामान सगर पार्श्वर्त मालाका स्ट्रीट अंचल रही था ता धीरे धीरे पश्चिम दिग्वे सामान्य गति कर आज दक्षिण आंडामान सगर अंचल सक्रिय रही है। जहाँ पूर्वानुमान रही मुख्यतः भाव पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग्वे गति कर तीस तारीख बेलू को आहरी घनीभूत हो गोटे अवपात रूप नवार संभावना रही है। जोटी कि दक्षिण पूर्व बंगोपसगर अंचल परवर्त समय उत्तर पश्चिम दिग्वे गति रवर्त 48 घंटा मध्य यह दक्षिण पश्चिम पार्श्वर्त दक्षिण पूर्व बंगोपसगर अंचल पहुंची एक सामुद्रिक झड़ बात्यार रूप नवार संभावना रही है। यह प्रभाव में जो संभाव्य बात्या कथा कहुच्छे कि अवपात रोचे ता प्रभाव में आम आगामी पांच दिन जाए राज्य उपर कौन प्रभाव ना मुख्यतः राज्य कौन चेतावनी जारी करा जाए और ओडिशा उपकूल खास करके कौन मत्स्यजीवी मानी चेतावनी जारी करा जाए। किंतु एक तारीख ठारु आमर जो रोचे केन्द्रीय बंगोपसगर अंचल जोटा कि आम दक्षिण पश्चिम बंगोपसगर पार्श्वर्त केन्द्रीय बंगोपसगर अंचल पवन वेग 40-50 सर्वाधिक 60 किलोमीटर पर्यटन रहिबार संभावना रही। जहाँ परवर्त समय आहरी वृद्धि पाई 50-60 सर्वाधिक 70 किलोमीटर पर्यटन रही है। तेणु मत्स्यजीवी मानक जो केन्द्रीय बंगोपसगर अंचल गभीर समुद्र मध्य जावाई 1 तारीख ठार संपूर्ण भाव बारण कर जो मत्स्यजीवी भाई मैंने यही गभीर समुद्र अंचल रही 1 तारीख सुधा उपकूल को फेरी आसपा सूचना जारी कर।